गाइस सेकंड T20 हो चुका है स्टार्ट, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। 1-0 से न्यूजीलैंड आ गया है। तो न्यूजीलैंड ने बॉलिंग ली है टॉस जीत के, हार्ड पिच है, तो अब देखते हैं कि इंडिया कम बैक कर पा रहा है। रोहित शर्मा खेलते हुए, साउदी बॉल डालते हुए, और ये बहुत ही अच्छी बॉल, अच्छी स्विंग, अभी तक अच्छी बॉल करवाई है साउदी ने, बहुत ही अच्छी एक लेंथ पकड़ रखी है इन्होंने। और ये आगे बढ़ के रोहित शर्मा ने बहुत ही प्यारा चौका मार दिया, आप देख सकते हैं आगे बढ़ के बहुत ही अच्छा कदम का इस्तेमाल कर चौका मारा है, अंपायर का इशारा चार रन, आप देख सकते हैं। तो गाइस यार ये प्लीज़ वीडियो जल्दी देखना, और ये आप प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। एंड और क्या यार, मतलब अगर आपने मेरी और वीडियो ना देखी हो IPL की, मैंने IPL की डाली है इसमें, एंड T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान न्यूजीलैंड, प्लीज़ जाके चेक करो, और न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चेक करो, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब तीसरी बॉल डालते हुए 3-4 इंडिया स्कोर रोहित शर्मा खेलते हुए, और आगे बढ़ के दोबारा वही शॉट मारा है, सामने कोई है नहीं, और ये बहुत ही प्यार चौका। रोहित शर्मा मुझे लग रहा है आज फॉर्म में है। तो KL राहुल 2-2 बॉल डालते हुए, ये देखते हैं क्या होता है। बहुत ही अच्छी शॉर्ट बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल ये वाली, काफ़ी अच्छी बॉल थी ये, डॉट बॉल हुई है वाली। 1/3, 10 run, 0 wicket। लेग साइड पे बॉल डाली है और इसे इसे टाइम नहीं हुआ, और ये सिंपल सा कैच दिए बैठे हैं ये कैच। न्यूजीलैंड ने अपना पहला विकेट ले लिया है इंडिया का। और KL राहुल इस मैच पे भी नहीं चल पाए, दोनों T20I में अच्छा नहीं खेल पाए थे KL राहुल। ये देखिए लेग साइड पे बॉल थी, लेग साइड पे मारने जा रहे थे और तेज़ी से बॉल आई और आउट। विराट कोहली आए हैं बैटिंग करने के लिए, आप देख सकते हैं। तो रोहित शर्मा खेलते हुए 2/1 11/1 आराम से खेलते हुए इस समय, और आगे बढ़ के एच लगी है ये, आप देख सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से मैं 3 run नहीं खुश रहूँगा, 3 run बहुत आसानी से हो जाएंगे, और ये 3 run हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग द विकेट, विकेट्स आप देख सकते हैं। तो 2/3, 15/1 देखते हैं क्या होता है। और हल्की सी अच्छी बॉल लेग साइड पे, और ये बहुत ही अच्छा चौका, मेरे ख्याल से पीछे कोई फिल्डर है नहीं, तो बहुत ही प्यारा चौका आप देख सकते हैं। 19 run हो चुके हैं इस शॉट के साथ, थोड़ा सा लेग साइड में थी बॉल और हट के बहुत अच्छा चौका मारा है रोहित शर्मा ने, आप देख सकते हैं। हाँ वो फिल्डर खा रहे हैं, काफ़ी सेफ शॉट था ये। 2/4, 19/1 दोबारा वही बॉल, और ये लेग साइड पे बहुत ही प्यारा छक्का, ये आप देख सकते हैं। बैंगलोर क्राउड पूरा खुश होते हुए, अंपायर का इशारा 6 run, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी बॉल लेग साइड पर, रोहित शर्मा मुझे आज बहुत ज़्यादा फॉर्म में लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी बैट पर लग रही है बॉल। तो विराट कोहली 4 run पर खेलते हुए, और ये बहुत ही अच्छा चौका, पीछे कोई फील्डर है नहीं, तो सेफ शॉट है 4 run। बोल्ड स्विंग करवा रहे थे, बहुत ही अच्छा चौका। तो विराट कोहली खेलते हुए आगे बढ़ के, और ये 6 बहुत ही भयंकर 6 आगे बढ़ के विराट कोहली के द्वारा, इसी के साथ 49 पे पहुंच चुका है इंडिया का स्कोर 6 ओवर में। ये देखिए बहुत ही अच्छा छक्का आप देख सकते हैं आगे बढ़ के, सॉरी माफ़ करना, 5 ओवर में, 5/5, 49/1 विराट कोहली 16 पे, रोहित शर्मा 25 पे, दोनों बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं आज। और सामने की तरफ लेके इसी शॉट के साथ 2 run लिए हैं, और 50 हो चुकी है इंडिया टीम की 51/1 6 ओवर। तो 6/2, 51/1, और ये देख सकते हैं लेग साइड में बॉल रोहित शर्मा के बिल्कुल बल्ले में बीच में पड़ी, और ये भी 6, सेम रिजल्ट, छक्का, वही बॉल थी जहाँ पहले एक बार छक्का खाया था साउदी ने, वही बॉल डाली और लेग साइड में बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं कनेक्ट हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा छक्का। टीम साउदी थोड़े से महंगे साबित हुए हैं आज, रोहित शर्मा बहुत अच्छी टच में लग रहे हैं, विराट कोहली भी, दोनों अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। और ये सामने मारना चाह रहे थे, बल्ला घूम गया है थोड़ा हाथ में, सिंपल सा कैच दे बैठे, इसी शॉट के साथ अपना विकेट गवा बैठे हैं रोहित शर्मा, आप देख सकते हैं। और ये थोड़े से नाखुश, 57/2 इंडिया का स्कोर, रोहित शर्मा केवल 31 run पे, आज अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, बल्ले पर बहुत अच्छी बॉल आ रही थी, पर टीम साउदी आखिर का शिकार हो चुके हैं। लेकिन अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, इसको 50 या 100 करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। तो अब ऋषभ आए हैं, विराट कोहली अभी तक टिके हुए हैं 18 run पे, और
सामने की तरफ बहुत ही प्यारा 4 रन, बहुत ही प्यारा 4 रन, 20 बॉल पर 24, विराट कोहली आराम से खेल रहे हैं धीरे धीरे। और ये थोड़ा सा लेग साइड पे होके, और ये बहुत ही प्यारा है, मेरे ख्याल से सेम रिजल्ट आएगा। ये चौका है, एक और चौका ले लीजिए आप, 2 बॉल 2 चौके लगातार, ये बहुत ही अच्छा चौका था, ये भी यार बहुत ही प्यारा चौका, ये आप देख सकते हैं। तो 7 ओवर 5 बॉल 69/2, अच्छा खेल रहे हैं विराट कोहली। और ये कवर के ऊपर से, कवर में कोई है नहीं, और ये बहुत ही सेफ शॉट, 4 रन, कोई फिल्टर था नहीं। वाह, तो केन विलियमसन सोडी को ले आए हैं न्यूजीलैंड में। आपको याद दिला दूँ 1-0 से आगे है इस गेम में। आपने अगर इससे पहली वीडियो नहीं देखी हो प्लीज़ जाकर चेक करो, और प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो चेक करो, अच्छी लगे तो लाइक करो शेयर करो प्लीज़। और पहली बॉल पर ऋषभ ने चौका मार दिया है, आप देख सकते हैं। केन विलियमसन कैप्टन बहुत अच्छे हैं, ये सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे प्लेयर लगते हैं ये। न्यूजीलैंड 5 सालों में बहुत अच्छा खेली है, 2015, 2019 का वर्ल्ड कप, 2020 पे। और ये छक्का ले लीजिए आप इस बॉल पर, 2020 पे T20 के टेस्ट चैंपियन मैच हो गए, 2021 में भी बोले चले गए थे फाइनल बाय ऑस्ट्रेलिया के साथ, माना कि वो हर गए, लेकिन मैं जो मैंने जो खेला था ना ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड इस गेम में जो मैंने अपलोड करा है वो चेक करूँगा। इसी के साथ विराट कोहली और ऋषभ पंत छक्के चौके तोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं 92 स्कोर हो चुका है इसी के साथ, 92/2। तो देखिए सोडी थोड़ी लेग साइड पर बॉल दी, विराट कोहली आज बहुत ज़्यादा फॉर्म में लग रहे हैं, ये देखिए कोई फिल्टर था नहीं तो 4 रन, थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं 37 पर, ऋषभ भी अच्छा साथ दे रहे हैं इनका। थोड़ी सी लेग साइड पर बॉल, वहाँ कोई फील्डर है नहीं आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा चौका, इसी के साथ 96 पहुँच चुका है स्कोर इंडिया टीम का, कोई फिल्टर था नहीं वहाँ, काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा सेफ शॉट है। 4 रन 10 ओवर 3 बॉल 96/2। और ये लेग साइड पे बॉल, और ये बहुत ही प्यारा छक्का, इसी छक्के के साथ इंडिया टीम की 102 हो चुका है स्कोर, 10 ओवर 5 बॉल 102/2। अगर यही चलता रहा विराट कोहली ऐसे खेलते रहे ऋषभ भी, तो स्कोर में भी 2 विकेट के पास लग गया। 47 विकेट जब गए विराट कोहली 29 बॉलों पर, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं विराट कोहली, आप देख सकते हैं। लेग साइड पर बॉल को फील्डर है नहीं, इसी चौके के साथ विराट कोहली ने अपनी 50 कट दिखाई है इस T20 सीरीज में, ये देखिए 30 बॉल 51, 7 चौके और 2 छक्कों के साथ विराट कोहली ने अपनी 50 कट। ये केन विलियमसन फ्राइडे को ले आए हैं, 11 ओवर 2 बॉल 108/2। और ये थोड़ी सी लेग साइड पे बॉल, सही से टाइम नहीं हुआ है पर 6 130 शॉट था ये, टाइम नहीं हुआ था सही से, तो बहुत ही अच्छा छक्का जल्द से डालना चाहिए, टाइम डालना चाहिए, सही से टाइम नहीं हुआ, एक बन एक हाथ से मारा था पर कोई फिल्टर था नहीं, लकी रहे छक्का। तो बॉल्ट आ चुके हैं आप देख सकते हैं, 12 ओवर हो चुके हैं 114 पे, लोग मुझे सामने मारना चाह रहे थे, रन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से रन आउट हो चुके हैं, और हाँ अंपायर का शरण आउट, ये अपना विकेट दे बैठे ऋषभ पंत। विराट कोहली 32/51, हार्दिक पांड्या आए हैं अब खेलने के लिए, और ये सामने मारना चाह रहे थे, सही से टाइम नहीं हुआ, स्लोअर बोलती है 120 किलोमीटर की स्पीड से, सिंपल से कैसे ले बैठे। 14 विकेट ले गए हैं विराट कोहली, अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, नहीं तो खेलना चाहिए था, तो 51 विकेट आउट होते हैं, बहुत ही अच्छी बोलती है सामने से कवर फील्डर को, ऊपर से लगाना चाह रहे थे फील्डर के, पर सिंपल सा कैच दे बैठे हाथों में। अब महेंद्र सिंह धोनी आए हैं यार, महेंद्र सिंह धोनी ने जिसने कह दिया, महेंद्र सिंह धोनी का बहुत तरफ हो गया, मुझे लगता है वो कभी रिटायर ही नहीं होने चाहिए थे। तो 1 2 3 4 विकेट केन विलियमसन साउदी खेलते हुए 10 बॉलों पर, अब थोड़ा रन रेट कम आ चुका है क्योंकि अब थोड़ा विकेट बचा बचा के खेल रहे हैं। और ये हार्दिक पांडे ने दिखा दिया है कि ये पावर हिटर भी है, बहुत ही प्यारा छक्का आप देख सकते हैं, 12 बॉलों पर 14 पहुँच चुके हैं हार्दिक पांडे, रन रेट सही है 8.83 पर, मैं चाहता हूँ 200 तक पहुँचे। और ये ऑफ साइड पर मारना चाह रहे थे, बहुत ही अच्छी बॉल थी ये, और सिंपल सा कैच पर बैठे कट मारना चाह रहे थे, लेकिन 5वां विकेट गिर गया है इंडिया टीम का, 131/5। अब रविंद्र जडेजा जाएंगे, ये देखिए आप केवल 14 रन पर वापस जाते हैं हार्दिक पांडे, इंडिया का स्कोर 131/5।
काफ़ी अच्छी बॉल थी ये। ओ ये सिंपल सा कैच थी, कट शॉट मारना चाह रहे थे, ऊपर से मारना चाह रहे थे, तो स्पिन बहुत अच्छी हुई थी। तो रविंद्र जडेजा खेलते हुए देखते हैं क्या होता है। और ये बहुत ही अच्छी स्लोअर बॉल दी है ये, और स्लोअर बॉल को नहीं पढ़ पाए रविंद्र जडेजा और अपना विकेट दे बैठे हैं। 132/6 रविंद्र जडेजा भी नहीं खेल पाए अच्छी इनिंग, और केवल 6 रन में वापस जाते हुए आप देख सकते हैं। काफ़ी नाखुश इस समय इंडिया का, पूरी इंडिया से नाखुश है, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे थे। मुझे लग रहा था कि 200 के 500 जाएगा स्कोर, केवल 135 का छठा विकेट लेके आया। बस अब महेंद्र सिंह धोनी बचे हैं, लेकिन जब तक धोनी है, जब तक माही है, जब तक उम्मीद है, तो केम विलियमसन खुद आ चुके हैं 16 ओवर डालने के लिए। 16 ओवर में अभी तक इस ओवर में केवल 7 रन आए हैं आप देख सकते हैं। और ये स्वीप शॉट मारना चाह रहे थे अश्विन, नहीं लग पाया, बहुत ही अच्छा ओवर। तो 17 ओवर हो चुके हैं, 139/6 बहुत बुरी हालत हो चुकी है। लेकिन अभी माही बचे हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या माही कुछ कर पाते हैं। और माही ने बहुत अच्छा सामने की तरफ शॉट मारा, और ये 4 रन। जब तक माही है, जब तक कुछ भी हो सकता है। 15 बॉलों पे 13 रन पर खेलते हुए महेंद्र सिंह धोनी बोल्ट आ चुके हैं। 18 ओवर में 18.11 144, 160 पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत ही प्यारा छक्का को फील्डर है, नहीं तो सेफ शॉट है। 6 के साथ 150 हो चुकी है इंडिया टीम की, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा छक्का ले रहे हैं, बिल्कुल मिड ऑफ द बैट लगी, प्यारा, काफ़ी प्यारा छक्का। 18 ओवर हो चुके हैं, आखिरी बॉल है इस ओवर की। 156/6 अश्विन खेलते हुए लेग साइड में मारना चाह रहे थे, बहुत ही अच्छी ओवर का स्लोअर ही होकर 122 किलोमीटर की स्पीड से सिंपल सा आउट दे बैठे हैं अश्विन अपना। 156/7 19 ओवर में अब आखिरी ओवर डाल लें, देखते हैं कौन आता है। और बहुत ही सिंपल सा विकेट दे बैठे। तो फ्राइडे आए हैं आप बॉलिंग डालने के लिए, आप देख सकते हैं 16 ओवर में 156/7। ये ओवर थोड़ा बड़ा चाहिए, इस ओवर में 10 रन आ जाएँ बस। 160 पार हो जाए बहुत अच्छी बात है। यॉर्कर लेंथ डाली थी, और महेंद्र सिंह धोनी को यॉर्कर लेंथ डालना मतलब आप हल्का सा भी चूके तो छक्का ही है। और ये देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने क्या छक्का मारा है, ये देखिए बहुत ही भयंकर सिक्स। डिफिकल्ट फुल है, मैं पहले करा देता हूँ। और 28 रन पर पहुँचते हैं MS धोनी, पहली बॉल पर छक्का मार के प्रेशर रिलीज कर दिया है बॉलर के ऊपर। और ये मेरे ख्याल से, और ये 4 रन जो लगा शायद से विकेट हो सकता था, सही से टाइम नहीं हुआ, लेकिन 4 रन नहीं पकड़ पाए बॉलर, थोड़े से नाखुश बॉलर फील्डर नहीं पकड़ पाए बॉलर वाली। और इसी के साथ 166 हो चुका है, जो मुझे लग रहा था केवल 160 के पास जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, ये देखिए आप आगे बढ़ के बहुत ही अच्छी तरह चौका लगाया है ये। 21 बॉलों पर 34 महेंद्र सिंह धोनी ने मैच थोड़ा पलट सा दिया है इंडिया की तरफ। जो स्कोर मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा आ गया है, क्योंकि विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। एक और यॉर्कर लेंथ, और ये 6, बहुत ही प्यारा छक्का ये, आप देख सकते हैं 175 स्कोर पहुँच चुका है इसी छक्के के साथ। ये ओवर बड़ा चाहिए था, और बड़ा हो चुका है, ये देखिए आप 6 देखिए। 21 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में, आप देख सकते हैं आखिरी बॉल डालने आए हैं अब तो। 21 रन आ चुके हैं 5 बॉलों पर, अभी आखिरी बॉल डालेंगे। फ्राइडे बहुत महंगे साबित हुए हैं, 3 ओवर 5 बॉल 52 इनकी 50 हो चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी क्या एक और छक्का मार पाएंगे आखिरी बॉल पे, सामने मारना चाह रहे थे पर नहीं, स्लोअर बॉल दी इसने और आउट। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा खेले हैं। तो न्यूजीलैंड को 178 चाहिए, यार देखते हैं चेस कर पाएंगे या नहीं। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तब तो प्लीज़ पूरी देखना, सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, और लाइक कर देना। तो अब देखते हैं भुवनेश्वर कुमार अपनी पहली बॉल डालते हुए, और बाहर की तरफ स्विंग करवाई है बॉल, और बल्ले में बहुत अच्छी पड़ी है इनके, तो पहली बॉल डॉट बॉल। तो यार अभी तक 5 की 5 बॉल डॉट बॉल गई हैं आपको मैं बता रहा हूँ। वो विराट कोहली अच्छी कैप्टन कर रहे हैं, मुझे पता है रोहित शर्मा कैप्टन आ चुके हैं इस समय, लेकिन मुझे विराट कोहली अच्छे कैप्टन लगते हैं। ऐसे सबसे फेवरेट कैप्टन तो मेरे महेंद्र सिंह धोनी है, और अच्छी बात है। तो अभी तक एक भी रन नहीं आया है इस ओवर में, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ओवर ये मेडन ओवर जाते हुए, 1 ओवर 0 रन। तो विराट कोहली थोड़े खुश,
तो जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं, एक ओवर दो बॉल एक रन, थोड़ी धीमी शुरुआत होगी न्यूजीलैंड की। और ये किसी धीमी के साथ मेरे कहते ही एक चौका लगा दिया है कवर के ऊपर से, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चौका। तो अभी तक अच्छा खेल रहे हैं, एक ओवर पाँच बॉल नौ रन, हल्की सी बाहर की तरफ स्विंग लगाऊंगा मैं कवर के ऊपर से। थोड़े से मिड फील्डर रविंद्र जडेजा जब भाग रहे हैं और ये दूसरा रन के लिए भाग गए हैं रविंद्र जडेजा की, बहुत भयंकर थ्रो रहा हो, बहुत ही तेज आ गया रविंद्र जडेजा का, पिकअप बहुत जल्दी किया, दूसरा रन के मुझे पता नहीं क्यों भागे ये, और सिंपल सा रन आउट होते हैं महेंद्र सिंह धोनी भी खुश। वो 10 रन पर पहला विकेट गिर चुका है आप देख सकते हैं, और ये एक रन पर वापस चाहते हुए अब गेम विलियमसन आएंगे बैटिंग करने के लिए। 10 रन पर पहला विकेट गिर चुका है, ये देखिए बहुत दूर थे ये, पता नहीं क्यों भागे, और पूरी टीम खुश, ये देखिए आप फेम में भी नहीं थे। तो दो ओवर 10 रन एक विकेट के विलियमसन को खेलते हुए हल्की सी बाहर की तरफ स्विंग करवाना बोलना है, तो कवर के ऊपर से बहुत ही बड़ा चौका मारा है के विलियमसन ने, आप देख सकते हैं पहला ओवर मैडम गया था भुवनेश्वर कुमार का, तो लेकिन इसकी शुरुआत चौके के साथ हुई है। तो दूसरी बॉल पे लगा एक और चौका लगा दिया है, आप देख सकते हैं के विलियमसन भी लग रहा है सैट होते हैं इधर से, तो मैं थोड़ी फील्डिंग चेंज करता हूँ, मैं फील्डिंग ये वाली लगाता हूँ कि पीछे अगर मैं बाउंसर बॉल डालूँगा तो वहाँ कैच होने के चांसेस रहेंगे, देखते हैं क्या होता है, बाउंसर बॉल ट्राई करूँगा मैं। और ये बहुत ही अच्छा हुक शॉट खेला, ये देखिए सिक्स दे दिया, मुझे लगा ये थोड़ा डिसबैलेंस होकर कैच दे रहा है, नहीं छक्का। पहला ओवर मैडम गया था भुवनेश्वर कुमार का, पर इस ओवर में बहुत ज़्यादा धमकी साबित होने लगे थे। तीन ओवर हो चुके हैं जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं बॉल डालने के लिए, तीन ओवर में 24 पे 1, और ये चौका एक और चौका ले लीजिए आप, थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं दोनों मेरे, और बाउंसर बॉल ट्राई करूँगा मैं, और ये कंट्रोल पे नहीं और सिंपल सा कैच दे बैठे हैं, कंट्रोल में नहीं थे शॉट पर। जसप्रीत बुमराह ने अपना पहला विकेट ले लिया है न्यूजीलैंड का, दूसरा विकेट लेते हुए 28 रन पर, आगे देखिए पूरी टीम खुश, चार ओवर दो बॉल 28 पे 2, 13 रन पर वापस जाते हैं मैं। और ये देखिए रोहित शर्मा का बहुत अच्छा कैच, कंट्रोल में लेते शॉट, इस शॉट में आप देख सकते हैं स्लोअर बाउंसर बॉल दी थी, कंट्रोल में नहीं थे और सिंपल सा कैच दे बैठे। तो अब रोज आए हैं खेलने के लिए, थोड़ी सी इसको मैं बाहर की तरफ स्विंग करवाऊंगा बॉल फर्स्ट फोर्थ स्टंप से, और ये सिंपल सा कैच ऑफ साइड पर मारना चाह रहे थे, और ये मैं दूसरा विकेट ले लिया है, और ये हैट्रिक पा चुके हैं बुमराह रोज ट्रेलर केवल 0 रन पर गोल्डन टक आउट होते हुए, और जसप्रीत बुमराह ने रोज ट्रेलर फाइव हो गए विकेट ले लिया, बहुत ही अच्छा कैच सेफ हैंड एम एस धोनी का, आप देख सकते हैं ये देखिए आप बहुत ही प्यारा कैच महेंद्र सिंह धोनी का। तो मार्टिन कप्टेल आए हैं देख सकते हैं आप राउंड द विकेट बॉल डालते हुए, और ये हैट्रिक पे खेलते हुए हैट्रिक है जसप्रीत बुमराह की, और ये हैट्रिक हो चुकी है T20 की पहली हैट्रिक जसप्रीत बुमराह की, आप देख सकते हैं 28 पे 4, और ये हैट्रिक होती हुई कप्टेल को समझ नहीं आया, यॉर्कर डाली थी अभी जो स्पेशल है यॉर्कर जसप्रीत बुमराह की, और इसी के साथ हैट्रिक होती हुई 28 पे 4 हो चुका है न्यूजीलैंड स्कोर, बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है इस समय न्यूजीलैंड की, आप देख सकते हैं ये देखिए आप बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है इस समय। तो भुवनेश्वर कुमार बॉल डालते हुए हर किसी बाहर की तरफ स्विंग करवाऊंगा मैं, और ये बहुत ही अच्छा शॉट मारा है के विलियमसन ने, मेरे ख्याल से ये चौका ही जाएगा 4 रन, बहुत ही अच्छा शॉट सच्ची बहुत अच्छा कंट्रोल में शॉट था ये, बहुत ही प्यारा चौका मारा गया था 4 रन, ये शॉट दिखेगा बिल्कुल कंट्रोल में बंदा ये चौका देगा, जिससे बुमराह पीछे भाग रहे थे हैट्रिक लेके भाग रहे हैं बॉल के पीछे, और 4 रन, ये देखिए आप बहुत ही अच्छी बॉल थी, उससे अच्छा तो बैट्समैन खेलता है सामने तो यही होता है। तो हार्दिक पांडे को लाए हैं विराट कोहली बॉल निकालने के लिए, तो आप देखते हैं क्या होता है, थोड़ी सी फील्डिंग में ट्राई करूँगा कि मैं, हाँ ये वाली फील्डिंग अच्छी लग रही है मुझे, तो पहली बॉल डालूँगा मैं पाउंड सर इसको, उसको बाउंसर बॉल डालता हूँ जेम्स को, स्वागत बाउंसर से करता हूँ, कंट्रोल में नहीं थे पर वहाँ पर फील्डर है नहीं, तो 4 रन,
थर्ड बैट में मुझे लगा नहीं चाहिए था, पर मैंने सोचा वो स्ट्रेट मारेगा, पर कोई नहीं। क्या मैंने हार्दिक पांडे को वो देख ली, गलती कर दी है क्या पता नहीं। थोड़ी सी लेग साइड पे बॉल और ये बहुत ही प्यारा छक्का थर्ड मैन के ऊपर, तो ये देख लीजिए बिल्कुल खाली फील्ड, वो तभी तो नहीं पकड़ पाता। दो बॉलों पर 10 रन आ चुके हैं हार्दिक पांडे ने, तो राउंड द विकेट अगली बॉल में ट्राई करूँगा। पहले दोबारा स्लोअर बाउंसर लेता हूँ, वहाँ पर मैंने फील्डर लगा रखा है। और ये भाई चौकी है, तो प्लीज़ फील्डिंग, प्लीज़ फील्डिंग। अबे यार फील्डिंग ये बहुत ज़्यादा। तो रविंद्र जडेजा आ चुके हैं बॉलिंग डालने के लिए, 50 हो चुके हैं न्यूजीलैंड के 54, केवल अभी तक 1 रन आया है इस ओवर में। तो ये देखिए यॉर्कर लेंथ, पीछे फील्डर है, कोई रन नहीं, तो 1 ही रन आया है इस ओवर में। रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा, इन दोनों से मैं अटैक करूँगा स्पिनर से। तो अभी तक 1 भी रन नहीं आया अश्विन के ओवर में, आप देख सकते हैं। और ये फील्डर हैं वहाँ पर, मेड इन ओवर पहला। तो रविंद्र जडेजा आ चुके हैं, दोनों बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, 1 भी रन, बस 1 रन आया 2 ओवर में अभी तक। और ये आउट, आगे बढ़ के लेग साइड में मारना चाह रहे थे, और 500 विकेट गिर चुका है न्यूजीलैंड का 52-5। बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। पहला मैच जो था इंडिया हार गई थी, जो मैंने इससे पहले खेला था उसमें इंडिया बहुत बुरी तरह हारी थी, पर बहुत अच्छा खेली थी न्यूजीलैंड। प्लीज़ अगर देखना था, आप नहीं देखो तो देखो जाते, बहुत अच्छा खेली थी न्यूजीलैंड। लेकिन इस मैच में तो इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। ये देखिए आप, 8 ओवर 2 बॉल 52-5, एकदम अटक से गए हैं ये। और ये आउट, ये भी आउट। ये देखिए आप, ये ओवर में 0 0 विकेट, 0 विकेट, बहुत ही अच्छा ओवर, 2 विकेट ले लिए अभी तक। ये देखिए आप वापस जाते हुए पीछे की तरफ कट मार के खेलना चाह रहे थे, और महेंद्र सिंह धोनी को सिंपल सा कैच दे बैठे। तो अब अगला ओवर डालने आए हैं रविंद्र जडेजा, और ये सिंपल सा कैच दे बैठे हैं। 52-7 ले लीजिए आप, रविंद्र जडेजा ने लगातार 3 विकेट ले लिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये देखिए 3 साउथ दी भी हफ्ते वक्त खेला चुके हैं, कवर ड्राइव मारना चाह रहे थे, स्लोअर बॉल आई, स्पिन को समझ नहीं पाया, सिंपल सा कैच दे बैठे भुवनेश्वर कुमार को। ये देखिए 3 साउथ 0 साउथ 52-7, बहुत ही मुश्किल है इनको जीतना। रविंद्र चंद्र अश्विन आ चुके हैं बॉल डालने के लिए, और ये अभी तक बहुत ही अच्छा ओवर गया है, 2 ओवर 5 बॉल, केवल 1 रन दिया इन्होंने, और ये 6, तो 3 ओवर में 7 रन दिए हैं बस अश्विन ने। तो रविंद्र जडेजा अपनी आखिरी ओवर डालने आए हैं स्पेल का, जो अभी तक 3 विकेट ले चुके हैं। और ये 6 6 ले लीजिए लेग साइड, तो बहुत ही अच्छा छक्का मारा है केम विलियमसन ने। तो आखिरी बॉल डालते हुए इस इनिंग की अपने स्पेल में, और ये 6, 2 बॉल 2 छक्के, और ये ऑफ हो जाएगा, मुझे लगा ऑफ हो जाएगा, पर चहल आ चुके हैं धनुष, वो आई एम रियली सॉरी, विराट कोहली चहल को आ चुके हैं। तो 77-7, और ये बहुत ही लुप्पा बॉल थी, ऊपर बार बैठे, और रोहित शर्मा का सिंपल सा कैच, बहुत ही लुप्पा बॉल थी, बहुत ही बेकार शॉट, पता नहीं बहुत ही बेकार शॉट था ये, सिंपल सा आउट 77-8। अभी 101 रन चाहिए न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने के लिए, बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी बॉल, बिल्कुल लुप्पा बॉल थी, और ये बिल्कुल टप्पा खा के, बिल्कुल जो आसानी से पढ़ सकते हो, और टेल एंडर खेल रहे थे, और रोहित शर्मा का सिंपल सा कैच, और ये के विलियमसन का बहुत ही प्यारा छक्का, ये एक एंड करता है, इसलिए वो वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन मानते हैं के विलियमसन को। तो बुमराह को ले आए हैं इस समय, आप देख सकते हैं, और 94 रन चाहिए अभी इनको जीतने के लिए। और ये विकेट, टीम साउदी वापस जाते हुए, और बुमराह ने अपना 4th विकेट ले लिया है, आप देख सकते हैं। तो टीम साउदी 1 रन वापस जाते हुए, ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी बॉल लेग साइड पे, स्टंप बहुत दूर गया है यार, बहुत ही प्यारी बॉल, वो बॉल जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो ये एक और मैं स्लोवर ओवर डालूँगा मैं इसको, जल्दी मैच ख़त्म करो। और ये आउट, 5 विकेट ले लिए हैं जैसे बुमराह ने, 95 रन से जीत गए हम। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल के यार, एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट।